तुम्हारी बहन ने तो वो गलती किया है राजकुमार बाबू, जो पूरे अमरावती में एक गरीब से गरीब इंसान होगा ना, जो तीन टाइम में एक टाइम अपने बच्चों को खाना खिलाता होगा इंसान, उसके बच्चे भी इतना गलत कदम नहीं उठाएंगे। चाचा जी, आखिर कौन सी ऐसी इतनी बड़ी गलती कर दी मेरी बहन ने? तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन राजकुमारी माला एक सूद से प्यार करती है। हाँ, वाह बाला वाह, क्या लाड प्यार का सिला दिया है तुमने। यही दिन देखने के लिए तुझे पिताजी ने लाड प्यार से पाला था, आज तो तुझे अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आती है। वाह बाला वाह। नहीं भैया, ऐसे मत कहिए भैया। बस बाला बस, आज तेरी जुबान से भैया शब्द शोभा नहीं देते माला। वाह, यही ये पिताजी ने तुझे लाड प्यार से पाला था। अरे जरा सोच, बचपन में पिताजी ने अपने हाथों से रोटी का निवाला खाया था। बस करो भैया, बस करो। यही दिन देखने के लिए कि जब तू सयानी हो जाए तो पिताजी के मस्तक को शर्म से झुका दे। बस करो भैया, क्या आपको अपनी छोटी बहन पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं ये सब कर सकती हूँ? गुड़िया, विश्वास तो बहुत बड़ा है, विश्वास तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज तेरा भाई इस मोड़ पे आकर खड़ा हो गया है कि मैं विश्वास करूँ किस पे करूँ, तुझ पे करूँ या मंत्री चाचा पे करूँ, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन माला, अगर तेरी बातों में जरा भी सच्चाई है तो हम ऐसे तेरी बात नहीं मानेंगे, हम तुझे जैसा कहेंगे वैसा तुझे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा बताइए माला। बहुत चाहती है ना पिताजी को, बहुत प्यार करती है ना अपने भैया से। बहुत प्यार करती हूँ। तो रख एक हाथ पिताजी के सर पे और एक हाथ अपने भैया के सर पे रख करके कसम खा कर, और कसम खा कर ये बता कि क्या है, और जिस वक्त मंत्री चाचा वहां पहुंचे तो क्या बात हुई। बहुत सही राजकुमार बाबू, बहुत सही। जैसा एक न्यायी राजा के वारिस को फैसला कर चाहिए वैसा आपने कर दिखाया है। चलिए राजकुमारी माला, अब रखिए एक हाथ अपने बाबूजी सर पर और एक हाथ रखो अपने भाई सर पर, और खाओ कसम मैं भी देखूं अपनी निगाहों से, मैं भी सुनूं अपने कानों से कैसे कसम खाती हैं आप। खाओ कसम, खाओ। अगर ऐसी बात है भैया, पिताजी की ओर आपकी कसम खा कर कहते हो कि मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी भैया। ठीक है माला, बोलो। भैया उस दिन मैंने आपसे 500 रुपए मांगे थे ना? हाँ। तो वही 500 रुपए लेकर मैं बाजार गई थी। हाँ। और बाजार से मजार पहुंचकर मैंने देखा तो मेरे जेब में मेरे बैग में पैसे नहीं थे, क्योंकि क्योंकि वो रास्ते में गिर चुके थे। फिर क्या हुआ? जब मुझसे मिठाई वाले ने पैसे मांगा, हाँ, तो मैं वहाँ परेशान हो गई, ढूंढने लगी अपने पैसे। तो फिर क्या हुआ? तो मैं पैसे ढूंढते ढूंढते वापस आ रही थी। हाँ। वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे मुझे एक फूल नाम का लड़का मिला। फूल नाम का लड़का मिला? हाँ। क्या बातें हुई इससे? बता रही हूँ भैया, फूल नाम का लड़का मिला और मैं उसने कहा, उसने कहा देवी जी आप इतना परेशान क्यों हैं? तो मैं कहने लगी कि मेरे पैसे ना जाने कहाँ गिर गए हैं। हाँ। मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। तो फिर क्या हुआ? उसने कहा देवी जी ये 500 रुपए मुझे रास्ते में मिले हैं। हाँ। कहीं आपके तो नहीं? तो भैया मैंने देखा तो मेरे ही पैसे थे।
तो मैंने उससे कहा ये तो मेरे ही पैसे हैं। हाँ? उसने कहा देवी जी अगर आपके पैसे हैं तो ये लीजिए ले लीजिए। फिर भैया जब मैं उससे पैसे ले ही रही थी उतने में वहां चाचा जी आ गए। तो फिर चाचा जी आ गए मुझसे। अब भैया मैं क्या बताऊं आपको, मुझे बहुत शर्म आ रही है। माला ये तेरे पिताजी और तेरे भैया की जिंदगी का सवाल है। तुमने हमारी और पिताजी की कसम खाई है भैया। जब उसने कहा देवी जी आपके पैसे लीजिए, मैं उससे पैसे ही ले रही थी उतने में चाचा जी आ गए। तो चाचा जी आकर मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगे। क्या कहा उन्होंने? कहने लगे बाला माला मेरी बाहों में आ जा, मुझसे प्यार कर लो। मिया चिंता ना करो, मैं हाँ डराओ ना। आओ पिताजी, अगर अब भी माला की बातों में सच्चाई नहीं झलक रही है तो ये लो खंजर, एक साथ हम दोनों भाई और बहन को खत्म कर दो। पिताजी दोनों को खत्म कर दो। ये आज मेरे हाथों से क्या अनर्थ होने वाला था, ये आज मैं क्या करने वाला था। अगर सही समय पर तू नहीं आता तो शायद आज नए राजा के पताके पर हमेशा के लिए एक कनक कनक जाता। आज अन्याय हो जाता इस भरे दरबार में। परंतु बेटा यहाँ अन्याय ना हुआ है ना अन्याय होगा। अपनी बहन को लेकर किनारे पे खड़े हो जाओ। मामल और करीब करण सिंह ये कमीने जहां भी गए हो इन्हें घसीट कर मेरे पास लाओ। चिंता मत करो महाराज, चारों तरफ सिपाही लगे हैं, भागने नहीं पाएंगे साले। अगर तुम दोनों को अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ आ जाओ, वरना तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारी सात पुश्ती गिन नहीं पाएगी। करिंदा साहब, ओ खरिंजा साहब, आओ आओ बटत है, आओ जल्दी आओ। अरे काहे आओ महाराज को समझा दिया? हाँ हम समझा दें। कहा महाराज ने कहा हमारे पुराने नौकर हैं। सही बात है, समय आए गलती सबसे हो जाती है। कभो कभो क्षमा कर दिए हैं। अच्छा। आओ महाराज बुला रहे हैं। चल के मैं फौरन का पैर पकड़ लूंगा। हाँ 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 मुबारा उनके गोड़न में फाट पड़े हो, माफ कर देंगे मुझे। तुझे मैंने न्याय का प्रतीक कहा था महाराज, ये मेरी पहली ईमानदारी का प्रतीक कहा था तुझे, और तूने मेरी पुत्री के प्रति ऐसी ऐसा झूठ बोला जिसने अपनी पुत्री को तुरंत ढेले वाला था। बोल ये झूठ बोलने के लिए तुझे किसने कहा था? बोल बोल किसने कहा था? सभी माफ हो मेरी और खाता की सभी नहीं अब खता काबिल, अरे पापी
है जाती मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी पुत्री ने कहा कि महामंत्री ने कट शब्द का प्रयोग किया पर तू उसके बहकाव में आकर झूठ बोला है। आज के बाद अगर तेरे मुख से झूठ शब्द निकला तो तेरी जिभ काट कर हम कुत्ते को खिला देंगे। गबा हो जाए यहाँ से। राशि महाराज महामंत्री को पकड़ कर लाओ। अवश्य अजो मंत्री जी, मंत्री जी आओ। फन फनान सिंह आओ। कहाँ हो? अरे चिंता ना करो मैं हूँ। बोल कहे डरात हो महाराज का हम समझाए दें। आए हमारा पुराना बहादुर नौकर है हमारे यहाँ, उसके लिए कोई भी गुनाह की माफी ही माफी। मुझे मालूम था कि महामंत्री तो फांसी कत्र सम्मान करना महाराज ही जानते हैं। महाराज आइए तुमको गोल्ड मेडल इनाम देंगे। क्यों नहीं आओ प्राप्त करो। ताली कहे तू वहाँ के दर मोर हाथ पहन हुआ हमारे गाँव वाले कलजू भाई रहो। अरे दुनिया के चक्कर में न रहो तुम, अपन देखो आओ। जिस बेटी ने तुझे बाप का स्थान दिया हो, जिस पुत्री ने तुझे बाप का स्थान दिया हो, उसके प्रति ऐसी भावना और कटु शब्द का प्रयोग करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई कभी? चल हटकार और बुझ दिले पाजी लुप्त हरा जिंदा छोड़ू क्रोध शीश पर आया। अरे तुझे न जिंदा छोड़ू पाजी क्रोध शीश पर आया। अरे माँ के तुले दूध पर ऐसा दाग महामंत्री तूफान सिंह तूने मेरी पुत्री के प्रति ऐसी भावना रखकर नहीं महाराज अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज, क्षमा चाहता हूँ, मेरी पहली गलती क्षमा चाहता हूँ। बच्चे तेरे बच्चे बच्चियों को हम ताउम्र खिलाएंगे पालेंगे, लेकिन हमारी राजधानी में एक ऐसा व्यक्ति हो जो रिश्ते न तो की अहमियत न समझता हो, पुत्री के प्रति भी गलत भावना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को चीरे हर जाओ। मैं कहता हूँ हर जाओ इस कमीने को चल समझ जाओ। पिताजी मत मारिए चाचा जी को, माफ कर दीजिए चाचा जी को, ये चाचा जी की पहली गलती है। पिताजी माला सत्य कहती है, अगर आज क्रोध के आवेश में चाचा जी को आप जान से मार देंगे तो हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे इनके जो है उनका श्राप आपको लगेगा पिताजी, इसलिए मंत्री चाचा की ये पहली गलती है, सो इन्हें क्षमा खून। जिससे एक बार नाता जोड़ लिया उस पर कोई आ जाए तो उनका कलेजा कांप जाता है।
और तूने जिस बेटी के प्रति गलत भावना रखी आज वही तुझे जीवन दान दे रही है। इससे पहले कि अपनी बेटी और बेटे की बात न मानकर तेरा मस्तक उड़ा दूं, दफा हो जाए यहां से, दफा हो जा। पिताजी, लगता है आप आज बहुत उलझन में हैं। अगर थोड़ा सा आराम कर लेते तो शरीर को संतुष्टि मिल जाती है। हाँ महाराज। सत्य कहा बेटे, आज हमने जो गुनाह किया है, अगर ऐसा हो जाता तो हमारे हाथ से अन्याय हो जाता और हमारे पूर्वज हमें कभी माफ नहीं करते, इसलिए राज सेवक जी महाराज आज कार्यभार सब तुम देखो के कार्य के राज दरबार के सारे कार्य तुम समझोगे, कुल देखोगे जी महाराज, जो भी आए फरियादी उसकी फरियाद भी पूरी करोगे जी महाराज, किसी भी कारण पर हमें न बुलाया जाए, आज हम अपने बच्चों के साथ सारा दिन व्यतीत राजमहल में करेंगे जी महाराज। चलो बेटा, चलिए पिताजी। ये क्या? तू इस तरह उदास? एक गुड़िया, अगर तू इस तरह उदास रहेगी तो ये तेरा भाई जो तुझे देखकर हंसता है, तुझे देखकर खेलता है, तुझे देखकर खाता है, तेरा भैया कैसे रहेगा रे? अरे तेरी आंखों में आंसू। दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तुझे रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है। जमाना की यह तो होगा भरवारी का केदारवा बनिया, हले देख ले बिटिया कहते हले बिटिया का सारे ता ताकत है। अरे सारे जौने पतारी में खात वही में छेद कर रहा था, तोर सारे बहनी बिटिया राड हो जाए, तोर सारे रह जावार मूड ना खराब करवा, आज हमार मुंडा खराब है। अरे सारे तोर स्टूडेंट में माउथ हो जाए, तोर खटिया हाच का चली जाए, सारे ना उभर पारे।
राम राम। हाँ राम जादे। चलो चली सब सब का राम। क्या बोल रहा था? महाराज समझा दिया मैंने महाराज को, समझ गए महाराज। समझाए तो रही ना घूम लतियावे लावे तो हम का करें। खिसियान बिलरिया खंभे नोचे, हम तुम्हार का बिरवा उचारे हैं हो, हम का हसकत खटिया चली जाए, बिटिया बहनी राण हो जाए, माउथ हो जाए इस दिन मक्का तेरी हराम। ठाड़े ठाड़े मरवा ली है, भाग जा हराम खा के हसे। करण सिंह कहिए, भरी दरबार में घोर अपमान होगा तेरा मेरा। सही बात है, यदि आकाश नहीं आता हाँ तो आज राजकुमारी माला काम तमाम हो जाता, तमाम हो जाता। आकाश आके पूरा काम बिगाड़ दिया। सही बात है। अब अमर सिंह एक बार ने सोचा कि मेरे दरबार के ये महामंत्री तूफान सिंह है, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। तुम्हारा अपमान हुआ, हमारा अपमान हुआ। अमर सिंह देख तेरे साथ मैं क्या करता हूं, अब बैठे रहना, लोग अब बैठे रहना, तुम्हें सब धरती मां कसम है, बहुत तुम बजाए तालियां तक बहुत हुआ हुआ किया, बैठे रहना, और मेरे मां बाप के दूध रखू कसम है। तूफान अब तूफान नहीं रहेगा। अमर सिंह तू सोचता है ये तेरी अमरावती लंका सोने की है ना, हराम जादे अमर सिंह तेरी लंका नाश नहीं कर दिया, तेरी पूरी अमरावती को ताता नहाते कर दिया, तो मेरा भी नाम ठाकुर तूफान सिंह नहीं। तेरी अमरावती को तेरी लंका का विनाश कर दूंगा। देख अमर सिंह, देख राजकुमारी माला, ये नौकर अपनी औकात दिखाएगा आज के बाद कि तूफान सिंह क्या चीज है। अब मचा दूंगा कयामत में, मचा दूंगा कयामत में, एक तूफान की लहर बनकर धाऊं जुल महाराज तुझ पर मैं, एक बिजली की कहर बनकर। महाराज महाराज तेरे वास्ते मैं मुल्क का नक्शा बदल दूंगा, महाराज तेरे वास्ते मैं मुल्क का नक्शा बदल दूंगा, कसम मेरे माँ बाप के दूध और खून की आकाश तुझे जिंदा रहने नहीं दूंगा। करण सिंह कहिए, बोल कौन से गली से आकाश स्कूल जाता है? मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ। स्कूल तो जाएगा आकाश, लेकिन स्कूल से महल वापस नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए उसे, बचा लेना तुम्हें आकाश को। अब चल मेरे साथ में। अरे राम राम, ये तो सार दोनों पिलान बनावते हो। हल देख ले, इधर राजकुमार को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हराम जादो, तुम्हारा पीछा हम करूंगा, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आ रहा हूँ हराम जादो, हमारी निगाह से नहीं बच पाओगे, तेरी मैयत का सूंघूं। आ रहा पाज पयलिया जहा कुह के कोयलिया, पाज पयलिया जहा कुह के कोयलिया, कागा पुकारे काओ काओ, सबसे
जहाँ मंदिर शिवाले निर्भय संसार नहीं महलों में ताले भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सभी दोस्त स्कूल पहुंच चुके हैं, मैं ही लेट हो रहा हूं, इसलिए मुझे चलना चाहिए, फटा देर हो जाएगी तो फिर गुरुजी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, क्या जवाब दूंगा, चलता हूं। अरे चाचा जी प्रणाम प्रणाम। खुश रहो आकाश कुमार। चाचा जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राजकुमार आकाश जी। चाचा जी, जो उस दिन दरबार में बात हो गई, मैं उस बात को सोचता हूं तो शर्मिंदा हो जाता हूं, क्षमा चाहता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं चाचा जी? आप हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं। खैर, कहां जा रहे हो? हम तो स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हो? हाँ, इसके अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है? महल से स्कूल जाना, स्कूल से महल आना, फिर महल से स्कूल जाना, फिर स्कूल से महल जाना। ये तो सत्य है कि बचपन से लेकर अभी तक हम महल से स्कूल, स्कूल से महल, महल से स्कूल, स्कूल से महल, दो जगह के अलावा तीसरी जगह कहीं गए ही नहीं। राजकुमार आकाश जी, चाचा जी एक बात सुनना था आपसे। क्या? जब तुम अमरावती के राजा बन जाना, हाँ, महाराज के सिंह पर बैठ जाना, हाँ, अजी अमरावती की पूजा तो न्याय मांगने आए ना, हाँ, स्कूल का पाठ ही पढ़ाना, मतलब क्योंकि तुम्हें राजनीति, कूटनीति, रणनीति ज्ञान तो है नहीं। बिल्कुल सत्य कहा चाचा जी आपने, राजनीति, कूटनीति, रणनीति के बारे में आज तक किसी ने हम कुछ बताया ही नहीं। जब कभी मौका दोगे राजकुमार, खुद जान जाओगे। चाचा जी, आप कितने नेक और कितने अच्छे इंसान हैं, आप हर प्रकार की बातें बताते रहते हैं। खैर छोड़ो चाचा जी, आप ये बताओ, आज दोनों लोग बहुत सजे धजे हो, बहुत खुश हो, आखिर बात क्या है, कहाँ की तैयारी है? ऐसे नहीं बताएंगे तो पहले मेरे हाथ में हाथ रखो, अपना कसम खाओ तीन बार, ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मान कहो कि चाचा जहाँ तुम जा रहे हो मैं वहाँ चलूंगा चलूंगा चलूंगा। ये बात है। हाँ, तो ये लो हम कसम खाते हैं कि आपके साथ। क्या हुआ? एक मिनट चाचा जी, वो क्या है, आप पहले एक वादा करिए। कैसा वादा? वादा ये करिए कि आप हमें जहां भी लेकर के जाएंगे, हमारे स्कूल छूटने से पहले हमें महल में लाकर छोड़ देंगे। ये बात है। हाँ, तो चलिए हम वादा करते हैं राजकुमार कि छुट्टी होने से पहले इसको आपको महल लेके आएंगे। तो ठीक है, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। हम कसम खाते हैं कि आपके साथ चलेंगे चलेंगे और चलेंगे। बहुत सही। अब तो बता दो, अब ये बताओ, कभी आपने शेर देखा है? शेर? हाँ हाँ हाँ, देखा है। और शेर का बच्चा? शेर का बच्चा तो नहीं देखा। नहीं देखा ना? नहीं। तो आइए राजकुमार बाबू, आज तुम्हें हम दिखाते हैं कि शेर का बच्चा कैसे फंसता है जाल में। जाल में यानी कि? हम करण सिंह जा रहे जंगल शिकार खेलने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। आज तक हम सिर्फ शिकार शब्द सुनते थे, शिकार का नाम सुनते थे, लेकिन ना कभी